Hello you all, I am back with another video tutorial of Photoshop. In this video tutorial, I am going to show you how to create a simple logo of your website or any apps and all. So, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, फोटोशॉप ओपन करना है. उसके बाद आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी है. आप लोग हाइट और ब्रिथ जो भी चाहे सेट कर सकते हैं. मैं यहाँ 7000 ब्रिथ और 4320 हाइट ले रहा हूँ. इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं वो लोगो काफ़ी बड़ा बनाऊँ, ताकि मैं अगर बाद में इसकी मैं बैनर या कुछ क्रिएट करता हूँ तो मैं इजीली कर पाऊँ. तो आप लोग सिंपली ओके पे क्लिक कर दीजिए. ये देखिए, मुझे वाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली पेंट पे गया, पेंट बकेट पे गया और ब्लैक कलर मैंने चूज़ की और इस पर मैंने ब्लैक कलर पेंट कर दिया. ब्लैक कलर मैंने पेंट इसलिए किया क्योंकि मुझे लोगो जो चाहिए मुझे वाइट कलर पे चाहिए. और मैं ब्लैक पे अगर वाइट बनाऊंगा तो वो इजीली विजुअल होगा. आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ वो आप लोगों को पता चलेगा. तो चलिए फिर नेक्स्ट क्या करना है, आप लोगों को ये रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करना है. अगर आप लोगों को यहाँ रेक्टेंगल नहीं दिख के कुछ दूसरा इस तरीके से राउंड इक्लिप्स कुछ दिख रहा है तो आप लोग राइट क्लिक करके रेक्टेंगल टूल पे क्लिक कर सकते हैं. उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मैं कलर चूज़ कर रहा हूँ वाइट, क्योंकि मुझे वाइट पे चाहिए. सिंपली मैं क्या करूँगा, शिफ्ट को होल्ड करके रखूँगा और मैं एक रेक्टेंगल स्क्वायर ड्रॉ करूँगा. ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया. उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे मिडिल पे रख दूँगा जी. हाँ, ये मिडिल पे आ गया. उसके बाद क्या करना है, मुझे इसकी कोई फील नहीं चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूँ मुझे एक बॉर्डर चाहिए. इसके लिए मुझे कोई फील नहीं चाहिए, मैं फील सिंपली हटा दूँगा. इसको मुझे स्ट्रोक चाहिए, स्ट्रोक मैं वाइट कलर से दूँगा और स्ट्रोक की साइज़ दूँगा मैं 33. तो ये स्ट्रोक की साइज़ हो गई. अब ये देखिए हमारा बॉर्डर हो गया. अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल टूल टेक्स सेलेक्ट कर लेनी है. उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, कहीं भी आप लोगों को प्रेस कर लेना है. उसके बाद मैं जो लोगो क्रिएट करने जा रहा हूँ वो एक मेरे फ्रेंड के लिए है, तो उसने मुझे क्रिएट करने के लिए बोला कि माय स्टोर नाम से एक लोगो क्रिएट करो, तो मैं वही क्रिएट करने जा रहा हूँ. तो मैंने सोचा कि चलो एक ट्यूटोरियल बना लेते हैं और आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि कैसे लोगो क्रिएट करते हैं. तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा माय, उसके बाद इसे मैं ड्रैग करूंगा और सेंटर पे ला दूंगा. आप लोग चाहते हो तो इसके साइज़ के साथ खेल सकते हैं, मीन्स आप साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं. तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा और ज़्यादा छोटा लगे, इसलिए मैं मीडियम साइज़ दूंगा. ठीक है, ये आ गया मेरा. अब मुझे क्या करना है, स्टोर लिखना है. मुझे इस जगह पे गैप चाहिए, तो अगर मैं टेक्स्ट फाइल पे इस जगह पे गैप बनाना चाहूँगा तो वो नहीं होगा, वार्निंग आ जाएगी. जैसे कि मैं आपको ये देखिए, मैं इसे अगर सिंपली डिलीट करता हूँ तो ये देखिए वार्निंग आ गई. ये वार्निंग क्यों आई है, क्योंकि हम जो टेक्स्ट फाइल लेते हैं वो कोई इमेज फाइल नहीं है, तो वो इजिली कट नहीं कर सकती है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माई पे राइट क्लिक करना है और ये जो ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को रेस्टराइज टाइप, इस पर आप लोग क्या क्लिक कर देना है. तो क्लिक करने के बाद टेक्स्ट फाइल जो इमेज फाइल में कन्वर्ट हो गई. उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपली मार्की टूल पे, रेक्टेंगल मार्की टूल पे क्लिक करना है और एक रेक्टेंगल छोटा सा जितनी गैप आपको चाहिए उतनी गैप की यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है. ड्रैग करके आपको सेंटर पे लेके आना है. ठीक है, आप सेंटर इसे मिला सकते हैं. उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली इस जगह को डिलीट कर देनी है. तो जो मैं गैप चाहता था दोस्तों, ये गैप यहाँ पे बन चुका है. अभी मुझे क्या चाहिए कि मुझे आप यहाँ पे स्टोर लिखना है, तो आपको फिर टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपली आपको स्टोर लिख देना है. आप कैपिटल या स्मॉल आप चाहे जो भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ कैपिटल लिख रहा हूँ ताकि ऐप ये लोगो ज़्यादा प्रोफेशनल दिखे. साइज़ आप छोटा कर सकते हैं, तो मैं सिंपली साइज़ ले रहा हूँ 150. उसके बाद आपको यहाँ पे लाके रख देनी है. ये देखिए अभी यहाँ पे मैच नहीं हो रही है. मुझे क्या करना है, आप स्टोर लेयर सेलेक्ट करके कंट्रोल टी दबाऊंगा और इसकी साइज़ मैं छोटी कर लूँगा. शिफ्ट दबा के इसको मैं छोटा कर लेता हूँ. दोस्तों आपको शिफ्ट इसलिए प्रेस करना होता है ताकि आप जो भी कुछ बना रहे हैं वो उसकी पिक्सल ख़राब ना हो. इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको शिफ्ट दबा के कंप्रेस करते हैं. इससे आपकी क्या होती है, पिक्सल है वो ख़राब नहीं होती और वो रियल पिक्सल में रहती है. अगर आप चाहे तो यहाँ पे और बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कुछ आपको सिंपली क्या करना है, रेक्टेंगल टूल पे जाना है, फिर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है छोटा सा, ये आ गया. आप इसको वाइट कलर फील रहने दें और इसे सिंपली यहाँ ड्रैग करें. तो ये देख सकते हैं हम दोस्तों, हमारा लोगो क्रिएट हो चुका है. आप लोग चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें. मैंने ये सिंपल सा एक लोगो बनाया मेरे फ्रेंड के लिए, आई होप कि उसे पसंद है. तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू, पीस, जय हिंद.